ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल कुछ कराए थे क्वेश्चंस, फिर आज देखते हैं। तो रिक्त स्थान का कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपने बेटा? नहीं नहीं, ये मुकुल पूछ रहा है। आप लोग थोड़ा सा उसका वॉइस ऑन कर लेंगे तो आप लोग को सुनाई देंगे। दूसरा रिक्त स्थान का दूसरा क्वेश्चन, ओके। समांतर अनुनादी परिपथ को कौन सा परिपथ कहते हैं? भाई देखो, ये थोड़ा सा अभी चलो क्या है कि पैरेलल जो अनुनादी परिपथ है, यानी कि कौन सा परिपथ पैरेलल, यानी आरएलसी पैरेलल, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। फिर भी इस परिपथ का नाम याद कर लो। इसको अपन बोलते हैं रिजेक्शन सर्किट। रिजेक्शन मतलब जो किसी चीज़ को अस्वीकार कर दे, तो इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, ये अस्वीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्वीकारक। तो समांतर अनुनादी परिपथ जो होता है उसको अस्वीकारक कहते हैं, मगर ये सिलेबस में नहीं है तो आने का कोई इसका तुक नहीं बनता है, है ना? तो एक तरीके से यूजलेस क्वेश्चन है ये अस्वीकारक परिपथ कहलाता है। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। और हाँ सर जोड़ी का दूसरा, ओके, सही जोड़ी का दूसरा। चलिए, सही जोड़ी का दूसरा, परिणामन अनुपात एक से कम होता है। अरे भाई, परिणामन अनुपात एक से कम होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो परिणामन अनुपात मतलब कि के इक्वल टू होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी। अब कह रहा अगर एक से कम है, परिणामन अनुपात अगर एक से कम है, यानी कि एन एस अपॉन एन पी एक से कम है, तो एन एस लेस देन क्या हो जाएगा? एन पी हो जाएगा, मतलब कि सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या प्राइमरी से कम हो जाएगी। तो भाई कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई या अपचाई? ये तो अपचाई हुआ ना, क्योंकि सेकेंडरी में कोई फेरे कम है और प्राइमरी में ज़्यादा है, द्वितीय कुंडली में कम है और प्राथमिक में क्या है, ज़्यादा है। तो भैया ये अपचाई ट्रांसफार्मर में हो गया ना, इसी को अपन बोलते हैं एन टू लेसर देन एन वन। तो ये क्या हो गया? स्टेप डाउन, यानी कि अपचाई। बोलो, समझ में आया? जी सर। चलिए और बताइए। तो सही जोड़ी मिलाओगे, परिणामन अनुपात एक से कम होता है, ये भी बन गया। और बताइए सर, अब न्यूमेरिकल में है वही ट्रांसफार्मर की दक्षता थोड़ा सा बता ओके दीजिए। ओके ओके, ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं, है ना अपने के साहब? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्वेश्चन बता देते हैं। और एक क्वेश्चन मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक पूछा नहीं है। एक इसमें कंसेप्ट है एलसी सर्किट का, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंसेप्ट है, वो भी कुछ लोगों को पूछना चाहिए। कल किसी बच्चे ने पूछा था, शायद इसने पूछा था, क्या नाम है, मिश्रा ने, हाँ। चलो खैर, आज कराते हैं उसको। तो पहले अपन देखते हैं न्यूमेरिकल जो आपने पूछा है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ दक्षता क्या होती है भाई। तो दक्षता का मतलब होता है, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, दक्षता का मतलब होता है पी आउट अपॉन पी इन, हाँ है ना? और अगर इसको आप उसमें निकालेंगे परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आती है दक्षता। और पिछले वर्ष भी आप लोगों ने हीट इंजन की दक्षता करी पड़ी थी, तो वर्क आउट अपॉन वर्क इन हीट इंजन की दक्षता थी। ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब कि निर्गत शक्ति बटे इनपुट, यानी निवेशी शक्ति। ऊपर पी आउट, आउट यानी निर्गत शक्ति, और पी इन मतलब निवेशी शक्ति। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 कर देंगे तो आपके पास में ये दक्षता का कंसेप्ट आ जाता है। आइए, तो भाई साहब अब दक्षता कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। दक्षता का फॉर्मूला अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन से 2220 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। लियो भाई साहब, मतलब कैसा है, अपचाई है ना, भी बताता तो समझ में आ जाता, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कितना है 2220। इसका मतलब भैया वी प्राइमरी कह लो या वी वन कह लो, तो वी प्राइमरी करके कहा गया है। बोलो वी प्राइमरी कितना है बेटा? 2220 वोल्ट है ना। ये अपने पास जो वी प्राइमरी लिख के दिया गया है, ये 2220 वोल्ट अपना वी प्राइमरी अपन को लिख करके दे दिया गया है, ठीक है ना बेटा? तो वी प्राइमरी 2220 वोल्ट, इसको आप वी वन भी लिख सकते हो, फिलहाल वी प्राइमरी है तो मैं वी प्राइमरी ही लिख देता हूँ। कितना? 2220 वोल्ट, ये अपने पास में प्राइमरी वोल्टेज आ गया। भैया 2220 वोल्ट को सेकेंडरी में कितना करता है? 220 वोल्ट करता है, यानी कि वी सेकेंडरी, ओके, यानी कि जो सेकेंडरी वोल्टेज ही देता है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट देता है, ये आउटपुट वोल्टेज है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, यानी एन वन या एन प्राइमरी जिसको कह लो भाई साहब आप, कितना है अपने पास में प्राइमरी फेरे में कितने हैं? 5000, ओके जी।
प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे, दक्षता 90% है, मतलब नीटा इक्वल टू 90% ये दी गई है। ओके, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद 90% लिखी जाती है, याद कर लेना। और अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 90/100 में बदल लो, 90/100 यानी 0 पॉइंट कितना हो गया, 9। ये आ गई इसकी दक्षता। आपको बोल रहा है निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है ना, 8 किलोवाट निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर यानी पी आउट बराबर 8 किलोवाट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, निर्गत शक्ति कितनी भाई साहब, 8 किलोवाट, 8 किलोवाट, 8 किलोवाट इसकी निर्गत शक्ति है। ये लीजिए 8 किलोवाट इसकी निर्गत शक्ति है। आपको बताना है कि निवेशी शक्ति कितनी होगी, मतलब आपको बताना है इनपुट वोल्टेज कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि नीटा इक्वल टू, देखो परसेंटेज में लोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे उसमें, अगर प्रतिशत में लिखोगे सो सीधे यदि अंक में लिखना है तो नीटा इक्वल टू आउटपुट पावर पी आउट अपॉन कितना बेटा, पी इन। बताओ, बताया कि नहीं बताया बेटा, मुकुल बोलो बेटा अब है, यस सर, हाँ रिप्लाई करते रहना। हाँ तो भैया पी आउट अपॉन पी इन मैंने आपको बताया कि ये होती है शक्ति। तो भैया पी नीटा यहाँ पे कितना रख दो बेटा, 0.9। बोलो हाँ, आउटपुट पावर दी है कितनी, 8 किलोवाट, तो 8 इंटू किलोवाट, चलो इसको किलोवाट में ही रहने दो, अगर किलोवाट में कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया इनपुट पावर पी इन, ठीक है ना। तो पी इन को ऊपर जान दो यार, वेरी सिंपल, तो पी इनपुट इक्वल टू हो गया कितना, 8 अपॉन 0.9, वो भी किस में, किलोवाट में, किस में हो गया, किलोवाट में। समझ में आ गया, अब क्या कर दो भाई साहब, अब एक काम करो इसका दशमलव तोड़ लो, मैं आपको क्या सिखाऊं, वेरी सिंपल यार, दशमलव तोड़ लोगे तो ऊपर 80 बन जाएगा और नीचे 9 बन जाएगा, 9 9 81 होता, मतलब 8 दशमलव बिल्कुल 9 9 के आसपास आएगा, मतलब आंसर आ गया कितना, 8.9 के लगभग आ रहा है, कि शुद्ध बात की जाए तो 8.89 भाई साहब यहाँ पे किलो वाट में आंसर आएगा। ये आंसर वाट में लिखा हुआ है, शक्ति 8 किलो वाट थी ना, तो शक्ति 8 किलोवाट थी तो वाट में कैसे हो जाएगी भाई साहब, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये कितना है बेटा, किलोवाट है ना, तो आंसर है 8.89 किलोवाट। ये हो गया, बोलो आया समझ में कि नहीं आया, यस सर आ गया पूरा, हाँ बिल्कुल yes। अब आइए बात करते हैं बेटा कि आउटपुट वोल्टेज निकालना है या निवेशी वोल्टेज या निर्गत शक्ति, हाँ द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या निकालनी है। देखो भाई साहब, अब भैया परिणामन अनुपात तो आप निकाल ही लोगे, बहुत ही सिंपल है, तो एक मैंने आपको रामबाण फॉर्मूला बताया था कि वो सब जगह काम करता है, के का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। बोलो बच्चों याद है कि नहीं याद है, तो भैया अपने पास जो है वोल्टेज दिया गया है और N2/N1 निकालने के लिए पूरी छूट दी गई है, मतलब कंसेप्ट क्या लगेगा, N2/N1 इक्वल टू V2/V1, ये लगा सकते हैं अपन। अब जो जो चीज़ें दी गई हैं बस उनको इस्तेमाल करते जाओ भाई साहब, है ना, यानी क्या कंसेप्ट लगेगा, K इक्वल टू N2/N1 डिवाइडेड बाई V2/V1। चलो भैया देखो, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पता नहीं है तो N2 को ला पता है तो N2 की जगह N2 रख दो। N1 कितना दिया है भाई साहब, फेरों की संख्या N1 दी है 5000 प्राइमरी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, यहाँ 5000 रख दो। इक्वल टू V2/V1, देखो भैया सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 220 है, 220, और प्राइमरी वोल्टेज कितना है भाई साहब, कितना दिया गया है, 2200 दिया गया है ना, यहाँ पे एक मिनट, ऊपर 2220 था नीचे 2200 है भाई साहब, आंसर में 2200 लेके सॉल्व किया है तो ये मिसप्रिंट है, इसको 2200 कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो गया 2200। चलो भाई सॉल्व करते, देखो जीरो से नहीं 2220 लेके नहीं किया है मैंने, कहा ना 2200, देखो आंसर 2200 लेके किया है, अरे मैं इसके अनुसार कर दिया, उसने मिस प्रिंट करी है, क्वेश्चन ने करी है ना मिस प्रिंट, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 22 दहम 220 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो N2 बराबर कितने फेरे आ गए भैया, 500, कितने आ गए 500, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस सर ओके। तो इस तरीके से बेटा ये आप कर सकते हैं सॉल्व इसको,
है ना। और एक और सर फॉर्मूला, यहाँ के का मतलब क्या होता है? परिणामन अनुपात बेटा, आप क्लास में थे ना पिछली क्लास में, मैंने के बताया था यस ट्रांसफॉर्मेशन सर, रेशियो, और इसे ही परिणामन यस सर, अनुपात बोलते हैं। और ये बेस्ट पूरा रामबाण फार्मूला यही है, इसे सब कुछ निकल आता है। एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू, बस आई उल्टे में चलता है, इज इक्वल टू, इसी को ई एम एफ की फॉर्म में बोल दिया जाए तो ई टू अपॉन ई वन, वही वोल्टेज ई एम एफ दोनों एक ही चीज़ बन जाती है, तो ए टू अपॉन ई वन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको नीटा निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू, है ना, नीटा इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन, ये रहता है। और अगर नीटा परसेंटेज में निकालना हो तो किसका मल्टीप्लाई कर देना, 100 का, तो ये नीटा जो है आपका परसेंटेज में आ जाएगा। नीटा यानी क्या है, शक्ति, दक्षता भैया, सॉरी सॉरी, दक्ष शक्ति तो पावर को बोलते हैं, दक्षता, हाँ दक्षता, कि कितना अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मर है, इस चीज की दक्षता को निकालने के लिए अपन नीटा का इस्तेमाल करते हैं। बोलो ठीक है बच्चों, क्लियर है? सर दक्षता हमेशा परसेंटेज में नहीं होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप परसेंटेज में लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिख दो चाहे पॉइंट में लिख दो, बात तो बराबर है ना बेटा, जी सर, आपकी मर्जी है कि आप उसको किस में लिखना चाहते हो। समझ में आया? जैसे आपने 10 नंबर में 1 नंबर प्राप्त करे तो आप 10 नंबर में 1 नंबर को आप सीधे लिख सकते हो कि भैया 1/10, और आप बोलोगे कि मुझे कितने नंबर प्राप्त हुए तो आप 0.1 भी बोल सकते हो। बट इसी चीज़ को घर वालों को समझाना है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो 1/10 गुणे कितना कर दो, 100, आया ना, तो भैया कितना हो गया, यहाँ पे कितने नंबर आए आपके, 10%, कितने नंबर आए, 10%, कैसी पढ़ाई चल रही है, 10%। समझ में आ गया? तो किसी चीज़ की ग्रोथ को, मतलब उसकी वो कैसे हो रही है, वृद्धि कैसे हो रही है, इस चीज़ को दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छा परसेंटेज रहता है, तो ऐसा है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा आपको कि अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना ये निकालने के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस सर, हाँ, और अगर नीटा दिया है इतने परसेंट, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था नीटा इतने परसेंट है, तो परसेंटेज तोड़ दोगे, है ना, परसेंटेज आप तोड़ देना तब ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में ना? यस सर, हाँ सर 5 मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में नीटा आपने परसेंटेज में बदल लिया, फिर आपके पास में निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति का फॉर्मूला आपका ये लग गया। हाँ, पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं आप, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भाई कह रहा है 220 वोल्ट आपूर्ति के किसी ट्रांसफार्मर पे कुंडली द्वारा कितनी धारा ली जाती है। चलो भाई साहब, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, मतलब कुल मिला के आई वन आपको निकालना है क्योंकि प्राथमिक कुंडली की धारा पूछी है। और 220 वोल्ट की आपूर्ति है, मतलब जो मेन्स आपका सॉकेट लगा हुआ है वो कितने पे लगा है, 220 वोल्ट में, यानी कि आपका जो वोल्टेज है वी वन बराबर कितना है, 220 है। ठीक है, कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट से लेके 550 वॉट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। ओके, मतलब जो आउटपुट दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज कितना भाई साहब, 110, यानी कि वी टू इक्वल टू 110, और आउटपुट की पावर दी गई है 550 वॉट में है, यानी ये क्या है, ये आउटपुट पावर है, ये क्या भाई साहब, आउटपुट पावर है, यानी कि पी टू इक्वल टू 550 वॉट दिया गया है। कह रहा शक्ति प्रदान करता है, तो भाई साहब क्या कंसेप्ट लगेगा, एक ही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए पी वन बराबर कितना, पी टू, तो वी वन आई वन बराबर वी टू आई टू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर एक क्वेश्चन में जहां प्रश्नानुसार दिया है वीपी स्क्वायर टू 2200 वोल्ट कैसे आ गया? कहाँ प्रश्नानुसार, अरे भैया ये मैंने कहा ना, ये बुक वालों की गलती है। सॉल्व देखो बेटा, 220 करके ही किया है, इसको 2200 को काटो तो काट दो, ये देखो है ना, आ गया समझ में ना? यस सर, ठीक है, आ गया। तो अब कर लोगे सब कुछ, तो पुट करना है भाई, सब कुछ बचा ही नहीं मेरे लायक करने के लिए, कर लोगे ना पुट पट करके? हाँ, यस सर, अब सीधे आई वन निकाल लेना, बाकी को नीचे जान देना। चलो एनी प्रॉब्लम, और कोई क्वेश्चन? इस बुक में नो प्रॉब्लम सर। चलिए, मतलब इस बुक में नो प्रॉब्लम, तो ख़त्म करते हैं इस बुक को भाई साहब, और आप अच्छे से इसके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल आप ये देखो, ये ट्रांसफार्मर का सेक्शनल व्यू बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है ना, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये आता है ये क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा कई बार,
और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाने को आता है। देखो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, नामांकित चित्र हैं, सिद्धांत है, दो अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो ही चुके हो, मोबाइल चार्जर में है, स्टेबलाइजर में है ना, लैपटॉप चार्जर में है। तो ऐसे कोई चार्जर नहीं है आज के टाइम में जिसमें ट्रांसफार्मर ना लगा हो, सब में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन सब लगाते जाओगे तो और होशियार हो जाओगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये क्या है, एसी जनरेटर है, मैंने बताया था ना, ये एक पैर से लंगड़ा होता है। देखो इसका एक पैर बड़ा है और एक पैर क्या है, छोटा है ना। तो ये एसी जनरेटर है, और डीसी मोटर जो होती है वो दोनों पैर से लंगड़ी होती है। समझ में आया ना। तो आपके बुक में दोनों बने हुए हैं, है ना। हालांकि एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है, और एलसीआर वगैरह सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर ये सेगमेंट अपना फिनिश होता है, आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे एग्जाम मास्टर पे। चलिए तो एलसी परिपथ में विद्युत चुम्बकीय दोलन की उत्पत्ति की व्याख्या परिपथ बना करके करना है बेटा। हमको ये समझना है कि एलसी परिपथ में विद्युत चुम्बकीय दोलन कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो एलसी परिपथ समझो क्या होता है बेटा। तो आपके पास में एक एल ले लो, ये एल आपने ले लिया और ये आपने सी ले लिया। इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये बेटा कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की लगी है बैटरी बेटा, वी वोल्ट की, है ना, वी वोल्ट की बैटरी, डीसी बैटरी लगी हुई है। और यहाँ पर ये क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। अब आपको बच्चों पता है कि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसके अक्रॉस में इसको कितना वोल्टेज मिलेगा बेटा, वी, और इसको भी कितना वोल्टेज मिलेगा, वी, ओके। क्योंकि ये क्या है, डीसी बैटरी है। कैसी बैटरी है बेटा, डीसी बैटरी है। डीसी बैटरी का ओमेगा कितना होता है, जीरो, हाँ या ना। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू कितना, ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू जीरो रख दो तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो है इंडक्टर, जो है इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा सी। तो वन बाई जीरो इंटू सी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। मतलब कैपेसिटर जो, रुक जाइए मैं, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, तो शो नहीं हो रही इसकी। ठीक है एक बार फिर से लेफ्ट होकर के आप ज्वाइन हो जाओ, सही हो जाएगी। ठीक है तो भैया आपके पास में एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, हाँ नहीं नहीं ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो, आ जाएगा वापस, रिज्वाइन कर लो। एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल एंड एक्स इक्वल्स टू वन बाई ओमेगा सी, है ना। एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करो, क्लियर है। आ रही स्क्रीन देखिए, चलिए। तो देखिए दो मैंने आपको बताया कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्स इक्वल टू ओमेगा सी, दोनों का अलग अलग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है यार, मैंने बच्चों आपको बताया था कि कैपेसिटर जो होता है वी वोल्टेज से चार्ज हो जाता है पहले, फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, समझ गए ना। फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो कैपेसिटर सर्किट से हट जाता है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम इसकी एक्शन को पढ़ते हैं। तो हम करना क्या है, हमें एक बार कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देना है। इधर ध्यान दो, यहाँ देखो, एक बार हमें कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देना है, उसके बाद कैपेसिटर और इंडक्टर में ऊर्जा का लेन देन होगा। क्या होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर में ऊर्जा का लेन देन, उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, उसकी वजह से दोलन बनेंगे। आइए समझते हैं इन दोलनों को। ये देखिए चित्र में एक बैटरी बी, ये बैटरी बी लगी हुई बेटा, बैटरी बी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी बी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। चित्र में एक बैटरी बी है, सी एक संधारित्र और एल एक प्रेरकत्व कुंडली है। सी संधारित्र लगा हुआ है और एल क्या है, प्रेरकत्व कुंडली है। K1 और K2 दो दाब कुंजियां हैं, K1 और K2 क्या है, दो दाब कुंजियां। देखो भाई साहब, हम दाब कुंजी को दबा देंगे एक बार
सर्किट को चार्ज कर देंगे, उसके बाद इस कुंजी को खोल देंगे, उसके बाद इस कुंजी को, तो सर्किट से ये हट जाएगा भाई। एक बार इसको प्रेस कर दोगे और प्रेस करने के बाद इसको सर्किट से हटा दोगे तो ये सर्किट से उठ जाएगा। तो K1 और K2 दो दाब कुंजियां हैं। जब दाब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो संधारित्र C आवेशित होने लगता है। देखो भाई हमने तो डायरेक्टली क्या कर दिया है, अब जैसे दाब कुंजी K1 को आपने दबाया है, मान लो यहाँ पर पहले ओपन था और ये आपने K1 को दबा दिया, इसको इसको आपने जैसे दबाया, तो जैसे इसको आप दाबोगे बेटा यहाँ से, जैसे ये K1 प्रेस होगी तो K1 प्रेस होते ही कौन चार्ज होने लगेगा, C1। मगर K2 क्या है, ओपन है, K2 क्या है, ओपन है, मतलब ये सर्किट से हटा रहेगा। मतलब सीधा सीधा यदि मैं फर्स्ट कंडीशन का सर्किट बनाऊँ तो कैसा होगा, ये बैटरी आया ना, और इसके साथ में ये क्या लगा हुआ है, संधारित्र लगा है, और ये बैटरी भी वोल्टेज की है तो इसको भी क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। चार्ज करने के बाद जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन, मतलब कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये टर्मिनल जो है कुछ इससे करंट नहीं लेंगे। तो देखो भैया लिखा हुआ है, जब दाब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो संधारित्र C आवेशित होने लगता है और इसमें विद्युत ऊर्जा संचित होने लगती है, क्योंकि आपको सबको पता है कि संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संचित होती है। क्या फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा का, यू बराबर हाफ CV2। विद्युत ऊर्जा संचित हो गई। जब संधारित्र पूर्ण आवेशित हो जाता है तो दाब कुंजी K1 को छोड़कर दाब कुंजी K2 को दबाते हैं। तो भाई सब देखिए, अब संधारित्र पूर्ण रूप से क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब आप K1 को ओपन कर दो, अब आप क्या कर दो, K1 को ओपन कर दो, कुछ इस तरीके से। देखिए आपका संधारित्र जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, आवेशित हो गया है। अब आपने संधारित्र को आवेशित होने के बाद आप जो है K1 को ओपन कर दीजिए और K2 को प्रेस कर दीजिए। यहाँ देखिए ये K1 लगा है और ये क्या लगा है, K2 लगा है। K1 को ओपन कर देंगे, आया ना, तो K1 को ओपन करने के बाद ये बैटरी जो हो जाएगी सर्किट से हट जाएगी कि लगी रहेगी, पूरे पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब हालत क्या है, अब ये समझो भाई साहब, आपके पास जो आपका कैपेसिटर है, देखो बैटरी ऊपर लगी हुई थी ना, ये बैटरी ऊपर लगी हुई थी, ये बैटरी मैंने डॉट डॉट इसलिए बताई है कि अब ये बैटरी हट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कुंजी के थी, मैंने उसको ओपन कर रखा है, बैटरी हट गई। केवल दो लोग के बीच में लड़ाई मची है, एक सी के बीच में और एक एल के बीच में। अब ध्यान से देखो ये फुल्ली चार्ज है कि नहीं है, ये बैटरी का टर्मिनल प्लस था, ये क्या था, माइनस था, तो जब इसने चार्ज किया होगा तो इसको क्या बना दिया होगा, प्लस, हाँ या ना, और इसको क्या बना दिया होगा, माइनस। समझ में आया ना, कितने वोल्टेज तक चार्ज किया था, वी वोल्टेज तक, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज अलग हो नहीं सकता है। तो बेटा इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रखा है, मैंने पढ़ा है क्यू बराबर सी वी, याद है, क्यू बराबर कितना, सी इन टू वी। मतलब अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है और अब ये लोड ले लेगा जिम्मेदारी। ये इसके साथ में इंडक्टर बैठा हुआ है, ये इसके साथ में क्या बैठा है, इंडक्टर, और तुमने यहाँ पे जो की थी ये प्रेस कर दी है, ये इसमें टच कर दी है, बोलो हाँ। मतलब जो K2 थी तुमने जैसे ही चालू करी, K2 तुमने जैसे ही प्रेस करी, ये बेटा ये तुरंत जिम्मेदारी लेगा और ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो करना क्या कर देगा बेटा, आई बात समझ में कि नहीं आया, करंट फ्लो करना क्या कर देगा बेटा, ये शुरू कर देगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये इसके अंदर करंट जाना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि जब दाब कुंजी K1 को छोड़कर K2 को दबाते हैं जिससे प्रेरकत्व कुंडली L में संधारित्र C विसर्जित होने लगता है। प्रेरकत्व कुंडली L में संधारित्र C विसर्जित होने लगता है, मतलब ये जो है ये अपना नेतागिरी संभाल लेता है और यहाँ से इस पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। जब सी विसर्जित होता है तो कुंडली एल में धारा बढ़ने लगती है, बिल्कुल सही, धारा बढ़ने लगती है, सही बात है भाई। इसमें जैसे ही ये जाएगी इसकी धारा, अभी फ्लक्स क्या था, जीरो था, अब जैसे ही करंट जाएगी पहले फ्लक्स एक बनेगा, फिर दो बनेगा, फिर दस बनेंगे, जितने होंगे, हाँ या ना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब धीरे धीरे ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल लगी है, पहले इसमें एक फ्लक्स, फिर दो फ्लक्स, फिर तीन फ्लक्स, मतलब ये देखो ये हालत थी, ये बना है डायग्राम भाई साहब, बहुत प्यारा डायग्राम बना है, आई बात समझ में ना। ये देखिए भाई साहब, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ये इसने इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, ये करंट जाना शुरू हो गई, ये देखिए करंट इधर से इधर गई, बोलो हाँ या ना। अब ये जाते 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 जाता जाते 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 करंट अधिकतम चली गई, बोलो हाँ है ना। अब ये करंट, ये पहले फुल्ली चार्ज था, बोलो यस कि नो, ये क्या था पहले, फुल्ली चार्ज, इससे पूरा का पूरा करंट इससे चली गई, अब ये डिस्चार्ज हो गया, अब ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्लियर हो गया।
अब डिस्चार्ज हो गया। एक्चुअली हम लोग कॉइल को ना, कॉइल को हम लोग चार्ज नहीं बोलते हैं, हम लोग कॉइल को बोलते हैं चुंबकित। क्या बोलते हैं? चुंबकित। मैग्नेटाइज हो गई कॉइल, क्या हो गई? मैग्नेटाइज हो गई। देखो ये तो खत्म हो गया, ये तो मर गया, कौन? कैपेसिटर। मगर अब ये जिंदा हो गया। अब क्या हो गया? ये जिंदा हो गया। आई बात समझ में ना? अब ये इसको चलाएगा। मतलब क्या हुआ? पहले यहां पर कौन सी ऊर्जा थी? विद्युत ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? ठीक ही ना थी। विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई भाई साहब? चुंबकीय ऊर्जा में। समझ में आ रहा है मुकुल? यस सर। विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदल गई है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? यू ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? इसी चैप्टर में पढ़ा है, हाफ एल आई स्क्वायर। एल आई स्क्वायर यू बी, यू बी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो धारा जब अधिकतम हो गई, धीरे धीरे धारा बढ़ेगी ना, जिस समय धारा अधिकतम हो गई उस समय चुंबकीय ऊर्जा क्या हो गई? अधिकतम हो गई। समझ में आ गया? ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा? आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या करेगा? इसको रन करेगा। अब धारा इधर से जाएगी तो ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इसको रन करेगा। आओ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। यहां तक आ गया था, जिससे प्रेरकत्व कुंडली एल से संधारित्र सी में छोड़कर, जिससे प्रेरकत्व कुंडली एल से एल में से संधारित्र सी विसर्जित होने लगता है, मतलब संधारित्र सी जो है डिस्चार्ज होने लगता है। जब सी विसर्जित हो जाता है तो कुंडली में एल एल में धारा बहने लगती है, अतः उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब कुंडली जो पहले डिस्चार्ज थी, अब उसके अक्रॉस क्या आ गया? विद्युत वाहक बल आ गया, मतलब प्लस माइनस आ गया, मतलब वो एक तरीके से चार्जिंग का काम करने लगेगी, अतः कुंडल उत्पन्न, जो धारा में वृद्धि का विरोध करता है, जो धारा में वृद्धि का विरोध करता है, समझ गए? अतः संधारित्र को विसर्जित होने में कुछ समय लग जाता है। अतः संधारित्र को विसर्जित होने में कुछ समय लग जाता है। संधारित्र के विसर्जित होते समय उसमें से संचित ऊर्जा कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। तो मैंने आपको बता दिया कि संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी थी? हाफ सी वी स्क्वायर। वो बदल गई चुंबकीय ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा शून्य हो जाती है और चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। देख लो भाई साहब, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा अधिकतम और चुंबकीय ऊर्जा जीरो, फिर यहाँ पे विद्युत ऊर्जा न्यूनतम और फिर चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम। बोलो हाँ या ना? फिर चुंबकीय ऊर्जा जीरो और विद्युत ऊर्जा अधिकतम, फिर विद्युत ऊर्जा जीरो इस वाले में, लास्ट अगले वाले में, और चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम, फिर चुंबकीय ऊर्जा जीरो और विद्युत ऊर्जा अधिकतम। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपका विद्युत चुंबकीय दोलन हो रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। जो ही विसर्जन पूर्ण होता है, धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कम होने लगता है, फलस्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण संधारित्र अब विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। बताएं बेटा, कौन सी कंडीशन है? ये तीसरी कंडीशन है, ये सी वाली। फिर से समझो, जो ही विसर्जन पूर्ण होता है, किसका विसर्जन पूर्ण होता है? संधारित्र का। जैसे संधारित्र पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, पूरा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। जैसे ही संधारित्र पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जो ही विसर्जन पूर्ण होता है, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। सही बात है भाई साहब, संधारित्र फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो धारा किस बात की बहेगी? धारा का प्रवाह क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ में ना? अब धारा का प्रवाह बंद हो गया, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हाँ या ना? चुंबकीय फ्लक्स कम होता जाएगा तो प्रेरित धारा कैसी होती? जो फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। समझ गया ना? तो वो क्या करेगी? कम होने लगता, फलस्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अब संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। इस प्रक्रिया में कुंडली में संचित ऊर्जा क्रमशः संधारित्र में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। यदि परिपथ का ओमी प्रतिरोध शून्य हो तो संधारित्र में प्रारंभिक मान तक पुनः आवेशित हो जाता है और कुंडली में संचित संपूर्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संधारित्र में संचित हो जाती है। मतलब हुआ क्या? अभी तक जो संधारित्र से ऊर्जा गई है कुंडली में, अब कुंडली से किस में चली गई? संधारित्र में। मतलब कुंडली डिस्चार्ज और संधारित्र चार्ज। अब संधारित्र विपरीत दिशा में विसर्जित होता है, फिर वही प्रोसेस। अब संधारित्र विपरीत दिशा में विसर्जित होता है, क्यों होगा विपरीत दिशा में विसर्जित? देख लो भाई साहब ध्यान से, पहले प्लस इस तरफ था कि नहीं था? तो संधारित्र से जो धारा बह रही थी वो इधर की ओर बह रही थी। हाँ या ना?
अब संधारित्र में प्लस इस तरफ है तो धारा किस तरफ बहेगी, इस तरफ बहेगी, हाँ या ना। अरे प्लस इसने किया ना, क्वाइल ने प्लस किसने किया, क्वाइल ने, क्योंकि क्वाइल ने इसको इस दिशा में चार्ज किया, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, समझ में आया ना, वो कॉइल की प्रोसेस है। हाँ एक मिनट, किस वाले डायग्राम में धारा कम होने लगेगी, सेकंड वाले में संधारित्र डिस्चार्ज होने लग गया, तो पहले धारा अधिकतम थी और धारा कम होने लग गई। हाँ बिल्कुल उसी की दिशा में होगी, सपोर्ट करेगी ना, कम होने के, कम होने का अपोज, कम होने का विरोध यानी कि सपोर्ट, हाँ या ना, तो उसी दिशा में गई, तो ये क्या बन जाएगा, पहले पहला पॉइंट क्या बना प्लस और दूसरा क्या बना माइनस, तो ये बन गया प्लस और ये क्या बन गया माइनस। तो पहले संधारित्र दूसरे उसमें डिस्चार्ज था, दूसरे पोलैरिटी में, अब इस पोलैरिटी में डिस्चार्ज चार्ज हुआ है, हाँ या ना, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब संधारित्र जब डिस्चार्ज होगा तो करंट किधर की तरफ बहाएगा, उल्टी तरफ से में, हाँ या ना, और अगली बार ये धारा फिर से कम होगी तो सेम डायरेक्शन में धारा बहाने के लिए फिर ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगी माइनस, समझ में आया, तो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। चलो तो भैया अब संधारित्र विपरीत दिशा में विसर्जित होता है तथा परिपथ में धारा भी शून्य से बढ़ने लगती है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। जब संधारित्र पूर्णतः विसर्जित होता है तो विद्युत ऊर्जा शून्य, चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। संधारित्र के पूर्णतः विसर्जित होने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स घटने लगता है, जिससे अब संधारित्र पूर्व से विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। कौन सा केस है भाई साहब, ये लास्ट वाला, पूर्व दिशा में आवेशित होने लगता है और चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होने लगता है। इस प्रकार इस परिपथ में संधारित्र की विद्युत ऊर्जा कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा में, तत्पश्चात कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है और यही प्रक्रिया जारी होने लगती चलती रहती है, जिससे LC विद्युत परिपथ में क्या होने लगता है, दोलन। किसका दोलन हो रहा है, ऊर्जा का, किसका दोलन हो रहा है, ऊर्जा का, मतलब पहले चुंबकीय ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, फिर चुंबकीय ऊर्जा, तो इस प्रकार ऊर्जा का दोलन होने लगता है, समझ में आया। हाँ भाई, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं वो इसी से बनता है, समझ में आया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो किससे बनेगा, इसी से बनेगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे मिलती हैं वो इसी से मिलती हैं। क्यों, याद करिए, आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, आवेश अगर गतिमान है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, विद्युत प्लस चुंबकीय, और अगर आवेश दोलायमान है, कैसा है, दोलायमान है, तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं दोलित्र, क्या बोलते हैं, हाँ भाई साहब, तो जो विद्युत चुंबकीय दोलन करके इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकाली जाती हैं। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया। सर कैपेसिटर से प्रोसेस कब तक चलेगी, कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा पूरी देखो, तरीके से? देखो अभी उसमें एक लाइन लिखी थी कि अगर सर्किट का ओमीय प्रतिरोध शून्य है, एक लाइन लिखी कि सर्किट का ओमीय प्रतिरोध शून्य है तो ये प्रोसेस अनंत काल तक चलेगी। मगर मुझे बताओ बेटा, जिस भी तुम तार से बना रहे हो, क्या उसका दोलन शून्य होता, क्या उसका प्रतिरोध शून्य होता है कि अशून्य होता है, अशून्य होता है। इसका मतलब जब ये जाएगा आवेश इसके अंदर से, आवेश जब इसके अंदर से जाएगा तो कुछ ऊर्जा जो होगी विद्युत ऊर्जा आवेश को ले जाने में तार में प्रतिरोध के रूप में वेस्ट हो जाएगी, इसलिए अनंत काल तक ये दोलन नहीं चलेगा। तो दोलन की स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, समझ में आया, इस तरीके की विद्युत चुंबकीय दोलन आपको प्राप्त होंगे, समझ में आ गया ना, इस प्रकार के आपको विद्युत चुंबकीय दोलन आपको प्राप्त होंगे। अरे भाई देखो, ये आपको मतलब कैसा भी बना लो इसको, मतलब आपको अवमंदित दोलन, जैसे आप चाहते थे कि आपको जिंदगी भर ऐसा मिलता रहे बिल्कुल कांस्टेंट आयाम के दोलन, बोलो हाँ या ना, विद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा जो भी है आपको कांस्टेंट एनर्जी की ऊर्जा मिलती रहे, मगर भैया नहीं मिलेगी ना, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसी समझ में आया कि नहीं है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कभी देखो ना, प्लेट गिर जाती है हाथ से, डक 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 रुकती है ना, तो वो दोलन धीरे धीरे क्या होते जाते, कम होते जाते हैं, क्योंकि या बॉल को, चाइना बॉल को लेके छोड़ दो, टक 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 रुक जाती है, तो दोलन का आयाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है,
आयाम इसलिए कम होता है क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस लगता है, प्रतिरोध लगता है। क्या लगता है? प्रतिरोध। बोलो मुकुल, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर है मुकुल? अब है सर, जैसे विपरीत दिशा में प्रणालिका में विद्युत सर। वाहक, हाँ बोलो बोलो। सर जब इससे कैपेसिटर से वो बहेंगे चार्ज, तो प्रणालिका में विपरीत दिशा में ईएमएफ बल जनरेट होगा। इसके कारण सर विपरीत दिशा में कई बार ईएमएफ बल जनरेट होगा, तो जिस कारण से वो विद्युत को कम नहीं कर देगा भाई बताया था मैंने, कैपेसिटर की। नहीं, विद्युत को कम, कैपेसिटर की विद्युत को बिल्कुल, इसीलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहा रहा है ना, समझ रहे हो? कैपेसिटर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट इसीलिए तो बहा रहा है, तभी तो कैपेसिटर रिचार्ज हुआ है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में उसको कम करंट देगा तभी तो कैपेसिटर में करंट गई है। लेंज का नियम लगेगा ना, लग तो रहा है लेंज का नियम, समझ में सर वो तो आया? लग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सर वो तो मैं समझ गया। हाँ मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि लेंज के नियम से जो चार्ज है ये कैपेसिटर, हाँ एक स्थिति ऐसी आएगी इसकी चार्जिंग खत्म हो जाए आइडियल केस में। नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। केवल आपकी ऊर्जा को समाप्त करने वाला केवल प्रतिरोध है। और अगर आप आदर्श दोलन की बात कर रहे हैं, अगर आप आदर्श एल और सी की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि प्योर इंडक्टर में किसी भी प्रकार का शक्ति लॉस नहीं होता है, क्योंकि वी और आई के बीच का फेज एंगल कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे इंडक्टर भी लगा हुआ है, दोनों में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। सॉरी, मैं 0 बोल गया था गलती से। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितने डिग्री होता है, याद है? कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में प्योर 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो चाहे इधर से सर। देख लो, तो एवरेज पावर इसकी भी शक्ति का गबन कितना होगा? जीरो। सर अगर दोनों का देखेंगे तो 180 और धारा के साथ देखेंगे तो 99। हाँ, तो धारा के साथ ही तो देखा जाएगा ना भाई बच्चे में, क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है ना। हाँ, या ना? तो अपन को तो कोण, अपन को धारा और वोल्टेज के बीच में लेना है। बोलो हाँ या ना? बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके ओके, चलिए। तो इस तरीके से ये होते हैं विद्युत चुम्बकीय दोलन। इनको एक दो बार आप कॉपी में लिखिएगा अच्छे से, तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझें कि कोई और पूछना है इसमें कुछ? हाँ। सर एग्जाम इस वाला सर एक थर्टी मिनट, सिक्स सर को। हाँ मैं 36 बता रहा हूँ, बट 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ 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 ऊर्जा खराब, पूरी ऊर्जा ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्यों? इनका कहना है कि सर अगर पैरेलल में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो क्या हाल होंगे? भाई साहब, आप पूरे सर्किट के पैरेलल में एक प्रतिरोध लगाओगे तो कुछ धारा तो इसमें से भी जाएगी ना। धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? और धारा जाएगी तो आपको पता है प्रतिरोध में ऊर्जा लॉस होता है, एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो जो दोलन आपके धीरे धीरे डाउन हो रहे थे, वो और जल्दी डाउन होने लगेंगे। तो कुंडली लगाने का फायदा क्या है? डबल लगाओ चाहे ट्रिपल लगाओ, फेज एंगल तो 0 मिलेगा ना। आप डबल ट्रिपल कुंडली कितनी भी लगा दो, फेज एंगल तो आपको एक में भी 0 मिलेगा। बस शर्त है कि कुंडली शुद्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुंडली शुद्ध होनी चाहिए, बस हो गया। उसमें किसी प्रकार की रेजिस्टेंस की मिलावट ना हो प्रतिरोध की। अब आप 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ। अब आप कहोगे सर डबल कुंडली लगाओगे तो फायदा क्या है भैया? तो सीरीज में एल बराबर होता है L1 प्लस L2। करा देंगे किसी दिन डेरिवेशन। तो प्रेरकत्व तो बढ़ जाएगा, बस क्या बढ़ जाएगा? प्रेरकत्व तो बढ़ जाएगा। चलो और बताओ भाई साहब। हाँ 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा बोल रहे बेटा? 36 36 36 कहाँ का, कौन सी किताब का? परीक्षा अध्ययन का कि इसका? एग्जाम एग्जाम मास्टर का। चलो तो भाई इसका हो गया कंप्लीट ना। यस सर। इसमें जैसे ईएमएफ बल जनरेट होगा प्रणालिका में, हाँ सर वो चार्जिंग का विरोध नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा? यार भाई मेरे, विद्युत वाहक बल ही की वजह से तो वो धारा आगे बढ़ी है। ये देखो ना, आप देखो ये बात मैंने यहां पे समझाई थी।
इसने पूछा था, मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा था। देखो भाई साहब, ये कैपेसिटर, बोलो हाँ या ना। जिस समय ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होने लगेगा, पूरा डिस्चार्ज होने लगेगा मतलब बस डिस्चार्ज होने ही वाला होगा, शुरू में तो लपालप चार्ज रहेगा, और जैसे ही डिस्चार्ज होने लग जाएगा तो धारा का मान कम होने लग जाएगा कि ज्यादा होने लग जाएगा? कम। बोलो बोलो, कम होगा कि नहीं होगा? मुकुल तुम्हारा क्वेश्चन है, फीडबैक दो जल्दी से। सर कम होगा। कम हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए, जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो धारा का मान कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, धारा का मान कम होगा तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा के कम होने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? विरोध करेगा। विरोध करेगा ना। सर पर स्टार्टिंग में तो उसको अच्छी धारा मिलेगी ना, जब तक चार्ज रहेगा तो सर उसका भी तो विरोध करेगा, मतलब धारा बढ़ने का विरोध भी तो करेगा। हाँ, शुरुआत में धारा बढ़ने का बिल्कुल विरोध करेगा, शुरुआत में जो है ये धारा बढ़ने का विरोध करेगा, ये बात हम बिल्कुल कह रहे हैं। बट शुरुआत में धारा बढ़ने का विरोध किया, और जब इसके बाद में जब यहाँ से इससे धारा गई और धारा कम होना शुरू हो गई, तो ये धारा के कम होने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। धारा के कम होने का विरोध करेगा मतलब धारा को चाहेगा कि घटती रहे कि चाहेगा कि धारा ना घटे? सर चाहेगा कि धारा ना घटे। ना घटे तो उसी दिशा में अपनी प्रेरित धारा डेवलप करेगा कि अपोजिट दिशा में करेगा? सर में करेगा। फिर से बोलो। सर अपोजिट दिशा में करेगा क्योंकि वो घट रही है ना। अरे यार क्या कह रहे हो यार, पर और रिपीट कर दीजिए। कोई चीज अगर घट रही है तो उसको घटने नहीं देना है, तो उसका सपोर्ट करो। किसी की तबीयत खराब हो रही है, खराब पे खराब हो रही है, तो उसकी खराब नहीं होने देना है, तो उसको गोली मार देंगे कि उसको गोली खिलाएंगे? सर गोली खिलाएंगे उसको। हाँ तो सपोर्ट करेंगे ना उसका, उसको सपोर्ट सिस्टम में डालेंगे ना, जितना था कम से कम उसकी पल्स उतनी तो बनी रहे। हाँ या ना। सर तो उसी दिशा में धारा जाने लग गई तो कैपेसिटर चार्ज होने लग गया, ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अब ठीक है? यस सर। चलिए हो गया, तो अब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के इसको जो है कैपेसिटर जीरो पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इसमें बन जाएगी। ठीक है, अभी इस समय ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है, मतलब इससे जाने वाले फ्लक्स का मान कितना है, इसके ऊपर फ्लक्स जीरो है और इसकी ऊर्जा अधिकतम है। थोड़ी देर के बाद इसकी ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और इसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर ये क्या है, EMF बल शुरू में लगेगा हाँ, जो लास्ट में लगेगा, दोनों इक्वल होंगे? EMF बल जो शुरू में लगेगा और लास्ट में लगेगा, दोनों बल इक्वल होंगे? हाँ, दिशाएं विपरीत होंगी परंतु दोनों इक्वल होंगे। सही बात है। यस सर। ओके चलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ, उसका एग्जाम मास्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, इसको बंद करें, ये दिग्दर्शिका कंप्लीट हो गई ना, सारे क्वेश्चन कर लिए इसके। ओके चलिए सर, ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। अब दूसरा एग्जाम मास्टर अपन जो है यूज करेंगे, एग्जाम मास्टर के क्वेश्चन करेंगे।
36 क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणीवृत्त एलसीआर परिपथ में जिसमें आर बराबर 20 ओम है, ठीक है भाई, जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम दे दिया गया है, 20 ओम दे दिया गया है, ठीक है, आर इक्वल टू 20 ओम है, एल इक्वल टू 1.5 हेनरी दिया गया है, सी इक्वल टू 35 माइक्रोफेरेट, प्रत्यावर्ती आवृत्ति को 200 वोल्ट एसी की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, मतलब वी आर एम एस दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है, जब आपूर्ति आवृत्ति प्रतिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ओके, यहीं से नहीं आ रहा समझ में भाई, ये आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, मतलब क्या रेजोनेंस है, इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद, जब स्टील की आवृत्ति आपके कूदने की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो दोलन अधिकतम हो जाते हैं, तो जब परिपथ की आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी, भाई साहब आपको पता है कि आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो गई उस समय अनुनाद आ गया, मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा बेटा अनुनाद का है, पहले बताया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर, ये जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, बस इतना समझ में आ रहा है सर। देखो किसी भी चीज का अनुनाद का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनुनाद का मतलब है, याद करो मैंने ये बताया था कि तुम गाना गा रहे हो, तुमने कहा सा, तो बैठ के मिलाते हैं ना अपन उससे हारमोनियम से सा, तो तुम क्या हो, तुम हो परिपथ, क्या हो तुम, परिपथ, परिपथ, और सामने वाला जो है हारमोनियम वो क्या है भाई साहब, स्रोत है, क्या है वो, स्रोत, स्रोत है, तो तुम परिपथ हो और वो स्रोत है, तो स्रोत का आवृत्ति यानी हारमोनियम का जो फ्रिक्वेंसी है गाने का और तुम्हारा आवृत्ति अगर बराबर हो जाए तो सुर भयंकर अच्छे बड़े निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बताओ, यस सर, हाँ तो यही है क्वेश्चन में, तो आ जाओ भाई साहब, तो अपन को पावर निकालनी है, तो अपन जानते हैं पावर पी एवरेज बराबर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, बोलो हाँ या ना, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अब भैया वी आर एम एस की जगह वी आर एम एस कर दो, अब देखो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है कि नहीं होता, कि नहीं बताओ, कहो भाई, यस सर, ओम के नियम से, ओम के नियम से आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो बेटा यहाँ पे वी अपॉन जेड लिखा हुआ है, तो चिंता की बात बिल्कुल मत करो, आपको पता है कि अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर किसके होता है, आर के, आर के, हाँ तो जहां जहां जेड है वहां वहां आर रखना है, तो इस फॉर्मूले को मैं बना देता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस हमारे पास है, आई आर एम एस को भी लिख दिया हमने कितना, वी आर एम एस अपॉन कितना, आर इंटू कॉस फाई, अनुनाद की स्थिति में आपको पता होगा कॉस फाई यानी पावर फैक्टर शक्ति गुणांक एक होता है, क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और करंट समान फेज में आ जाते थे, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, याद आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉस फाई एंगल ऑफ फेज 0 डिग्री, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 होती थी, हाँ या ना, कहो भाई, सो गए क्या, यस सर, हाँ, अब वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, तो भाई साहब वी आर एम एस आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, हाँ बोलो, वी आर एम एस कितना दिया है, 200 का स्क्वायर कर दो अपॉन आर कितना दिया है, 20, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा बेटा, ये वॉट है, क्लियर है ना, यस सर, हो जाएगा, और बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन बचा है इसके अलावा, सर एंगल ऑफ फेज 0 डिग्री कैसे हो गया, एंगल ऑफ फेज 0 डिग्री कैसे हो गया, फिर भूल गए आप भैया, अनुनाद की स्थिति में याद करो एक्सएल बराबर एक्सी लेते थे कि नहीं लेते थे, यस सर, तो एक्सएल और एक्सी कैंसिल कर देते थे, तो वोल्टेज केवल करंट के फेज में गिरता था कि नहीं गिरता था, यस सर, तो फाई बराबर 0 डिग्री, तो कॉस फाई कितना होगा, 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, यस सर, चलो और कोई डाउट इसमें एग्जाम मास्टर में,
सर दृष्ट धारा मोटर, प्रत्यावर्ती धारा मोटर और प्रेरण मोटर थोड़ा सा बता दीजिए इसमें है क्या? इसमें सर। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं, था लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर बताइए आप, जो शीट अभी पढ़ा रहा हूँ पहले वो बताइए, एग्जाम मास्टर में क्या डाउट है वो सर बताइए। एमसीक्यू का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8वां। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8वां, घरों में लगे पंखे में कौन सी मोटर काम करती है? भाई घर में जो पंखे लगे होते हैं कौन सी मोटर काम करती है? तो ये बताओ घर का पंखा काय पे चलता है भैया, एसी पे कि डीसी पे? सर प्रत्यावर्ती मोटर है तो हाँ एसी। एसी पे, तो भैया एसी मोटर काम करेगी है ना। अब देखिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, घरों में लगे पंखों पर कौन सी मोटर काम करती है? पहला दिया है प्रत्यावर्ती धारा मोटर, दूसरा प्रेरण मोटर और तीसरा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना? तो इसका आंसर है बी साहब, प्रत्यावर्ती धारा मोटर बी लगेगी इस पे। यस सर, पर प्रेरण इनको मोटर, थोड़ा प्रेरण मोटर एक इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर नाम का कोई मोटर उटर नहीं है, केवल आंसर इसका बस बी है, इसमें कुछ नहीं है। दो ही मोटर आपको पढ़ने हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। और सर ये तीसरी प्रेरण मोटर ये क्या होती कुछ है? नहीं है ना वो, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही नाम दे दिया भाई। इंडक्शन क्या डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हो आप ना, तो एसी मोटर बनेगी और कुछ भी नहीं है। जो एसी मोटर नॉर्मल सिंपल यूज़ करते हैं आप, उसमें एसी मोटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। और कोई डाउट? ग्राही परिपथ का मतलब होता है रिसीवर सर्किट। रिसीवर, ग्राही परिपथ मतलब रिसीवर सर्किट, जहाँ पर आपके पास दो सर्किट हो उसको रिसीवर सर्किट बोलते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में एक आपके पास में सर्किट इधर होता है, एक सर्किट इधर होता है, तो आप इधर वाले परिपथ को ग्राही बोल सकते हो, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है ना, उसको ग्राही परिपथ बोल सकते हो। हाँ जहाँ पे लेता होगा आगत शक्ति जहाँ पे मिलती होगी उसको ग्राही परिपथ बोलते हैं। चलो और बोलो भाई, क्वेश्चन डन। सर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। देखिए ये ऐसे एकदम से ये प्रोसेस जो है यांत्रिक ऊर्जा को देखो मैंने विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने की प्रोसेस तो बता चुका हूँ मैं, बोलो हाँ या ना। यस सर मोटर के थ्रू। नहीं उल्टा बोल रहे हो, यांत्रिक को विद्युत यानी कि जनरेटर। जनरेटर में वैसा होता है। जनरेटर में ऐसा होता है क्योंकि जनरेटर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्लास में कि दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, इसमें अपन एक्सल लगा करके इसको घुमाते हैं तो धारा ऊपर होती है फिर नीचे होती है। बोलो याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ अब देखिए, अब दूसरा आपके पास सवाल जो है वो पिछले चैप्टर का है, जहाँ पर अपन ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा था कि मोटर क्या होती है। तो मोटर में आपको धारा देना है और बदले में बल लेना है। तो याद होगा आपको कि जब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लेते थे और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल्स यूज़ किया करते थे, इसको मैं तो याद होगा आपको कि जब अपन ने मोटर पढ़ा था कि मोटर हुआ करता है और अपन नॉर्थ साउथ पोल यूज़ किया करते हैं और इसमें धारा भेजते हैं, तो इसमें बल, एक में बल लेफ्ट हैंड से, अभी याद हो आपको लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो है ना, तो ये इधर है धारा ऊपर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, तो इस पर बल कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। और इस पे बाहर की तरफ लगेगा, तो इस तरीके से ये घूमना शुरू कर देगी। आई बात समझ में? बोलो याद आया कि नहीं याद यस आया? सर। हाँ तो बस ये मोटर बन गई यार, इसमें अब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसके पार्ट्स बाकी मैंने वही बना रखे थे कि इसमें आपको दो स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग यूज़ होती है, दोनों पैर से लंगड़ा होता है, समझ गए ना? और बाहर जा करके इसमें क्या लगा देते हो आप? डीसी बैटरी लगा दोगे, तो डीसी बैटरी लगा दोगे तो डीसी मोटर बन जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलिए और बताइए फाइनली।